Motivational Story. Motivational Story. Motivational Story. Motivational Story. सर उठा कीजिए, उठा कीजिए, उठा कीजिए, उठा कीजिए। शहजादे की ख्वाहिश ने बादशाह को एक अजीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। मेरी सालगिरह के तोहफे पर बस मेरा एक मुजस्मा बनवा दीजिए। शहजादे के ये अल्फाज बादशाह के जहन के गोशों में मुसलसल गूंज रहे थे। अपने बेटे की इस अनोखी तकलीफ को तो बादशाह पहले ही सह नहीं पा रहा था। 11 साला बेटा जो कुल सारी सल्तनत का वारिस बनने जा रहा था, अपने कदमों पर सर उठाकर खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसकी कमर में खम था। एक बादशाह के लिए ये बहुत बड़ा ऐब था। राया के लोग क्या सोचेंगे? दुश्मन तो हमारे आने वाले बादशाह पर हंसेंगे। इस अजीम शान सल्तनत का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथों में होगा जिसकी कमर सीधी नहीं हो सकती, जो तख्त पर बैठा नहीं लुढ़का हुआ होगा, जिसका सर इसकी कमर की तरह झुका हुआ होगा। क्या सोच रहे हैं आप बादशाह सलामत? मैंने बहुत बड़ी फरमाइश कर दी है क्या? शहजादे की आवाज ने बादशाह की खुद कलामी में मुदाखलत की। बादशाह दिल ही दिल में अपने बेटे की बेबसी पर उड़ रहा था। शहजादे की ख्वाहिश पर वो कुछ सीख कर गुजरने के लिए तैयार था, लेकिन अपने बेटे का मुजस्मा बनवा कर वो उसे दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अपने कमर खमीदा बेटे के मुजस्मे का तस्वीर करके ही उसे दिल में तकलीफ महसूस होती थी। दूसरी तरफ वो शहजादे की ख्वाहिश को रद्द भी नहीं करना चाहता था। इसने शहजादे की तवज्जो मुजस्मे से हटाने के लिए कहा, बहुत खूब बेटा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद तुम इसके अलावा कुछ और भी लेना चाहोगी। कहो तो तुम्हें एक आलीशान, मुझे सिर्फ अपना मुजस्मा ही चाहिए। शहजादे ने बादशाह की बात पूरी होने का इंतजार किए बगैर ऐसा कुछ अंदाज में कहा। बादशाह अपने बेटे का मजाक बनते हुए देखना नहीं चाहता था। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये मुजस्मा मेरे कमरे की खिड़की के साथ मुल्हिका बाग में लगाया जाए, ताकि मैं सुबह शाम उसे देख सकूँ। लेकिन देखने वाले इसे देख कर क्या सोचेंगे? क्या वो मेरे बेटे का तमाशा ही नहीं बना देंगे? बादशाह के दिल में वसवसों का शोर था। और हाँ बादशाह हजूर, शहजादे ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहा, मेरा मुजस्मा वैसा नहीं बनवाइएगा जैसा मैं इस वक्त हूँ। इस मुजस्मे को इस तरह बनवाइए जैसा मैं उसको देखना चाहता हूँ। क्या मतलब बेटा? बादशाह खुद हैरत का मुजस्मा बना खड़ा था। जी हाँ बादशाह सलामत, मेरा मुजस्मा मेरी मौजूदा कमजोरी, हामी और बेबसी का आईनादार नहीं होगा, बल्कि मेरे आने वाले शानदार कल की एक रोशन तस्वीर होगा। इस मुजस्मे में मेरी कामयाबी, एतमाद और वकार की झलक होनी चाहिए। क्या आप अपने बेटे को ऐसा ही नहीं देखना चाहते? बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे की मौजूदा बेकिसी और इसके ख्वाबों के दरमियान इतने बड़े फर्क को देखकर वो अंदर से गमजदा हो गया। ताहम बेटे की मोहब्बत के सामने उसने अपने अंदर उठने वाले बेशुमार सवालात को दबा दिया। बादशाह ने मुजस्मे की तैयारी का हुक्म दे दिया। कुछ अरसे के बाद शहजादे के कमरे से बाग की जाने खुलने वाली खिड़की के सामने शहजादे का एक शानदार मुजस्मा आवेज़ा कर दिया गया। रोशन शख्सियत, चुस्त सामत, बोलती हुई आंखें, पुरवकार चेहरा, चौड़ी पेशानी, कुशादा सीना, तने हुए कंधे और सीधी कमर, गोया मुजस्मा था कि जैसे अभी कदम उठाया और चलने लगा। शहजादे ने मुजस्मे की तरफ एक नई उमंग से देखा, एक ऐसे तस्वीर को जो अरसे से उसने खुद के बारे में अपने दिल में छुपा कर रखा था।
उसे सामने पाकर वो बेहद खुश था। मैं एक दिन तुम्हारी तरह सर उठाकर जीऊंगा। शहजादे ने बड़ी मुश्किल से अपने मुजस्मे की आंखों में आंखें डालकर पुरअर्ज़ लहजे में कहा। इसका यह अर्ज अगले कई सालों तक इसके अमल में झलकता रहा। हर रोज शहजादा सुबह सवेरे उठता, मुजस्मे के सामने हमीदा कमर के साथ जा पहुंचता, पुरअर्ज़ निगाहों से मुजस्मे से आंखें मिलाता, खुद को जरा सा पेश करता और जिस्म को सीधा करने की कोशिश में आखिरी हद तक चला जाता। इस अमल में इसका पूरा बदन तकलीफ से लड़ जाता। कई महीने और साल गुजरते रहे। शहजादे के आसपास के लोग हर रोज इसकी इस बेसमर मुशक्कत के गवाह बनते रहे। बहुत से लोगों ने उसकी हिम्मत तोड़ने की भरपूर कोशिश की। उसके अपने अजीज दोस्त, खानदान के अफराद, मशीरों, वजीरों, हकीमों, तबीबों ने बारी बारी उसे इस जानलेवा एक्सरसाइज से बाज रहने की ताकीद, लेकिन शहजादे ने किसी की एक ना सुनी। वो अपनी धुन में पक्का था। इसकी आंखों में पनपते ख्वाबों ने इससे इसका आराम और सुकून छीन लिया था। इसकी ख्वाहिश शदीद और इरादा मजबूत था। लोगों के ताने, हौसला शिकनी, तन और तिरछी निगाहें इसके अजम का रास्ता रोक नहीं पाई थी। ताहम ये भी सच है कि पिछले कई सालों की कोशिशें बेफायदा ही थी। शहजादा देखने में अभी भी एक झुकी हुई कमर वाला ज़ईफ, लेकिन 16 साल का नौजवान बन चुका था। इस दौरान शहजादे के चेहरे पर किसी ने भी तकलीफ, बेबसी या बेवकती के तासुरात नहीं देखे। ये अलग बात है कि तन्हाई के लम्हों में इसकी खुद कलामियां बड़ी दर्दनाक होती थी। या अल्लाह, मेरी तकदीर कब बदलेगी? आखिर मैं कब तक इसी हाल में रहूंगा? मेरा सर क्यों झुका रहता है? मेरी तकलीफें कब छटेंगी? कब मेरी कोशिशों का समर मेरी झोली में आन पड़ेगा? कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों हर रोज दूसरों के सामने तमाशा बनते हो? यही हकीकत है। अपने वजूद को सच मान लो। अपनी माजूरी से मत भागो। सबसे मुंह ना मोड़ो। तुम कैसे अपने ही हाथों खुद का मजाक उड़वा सकते हो? 5 साल तुमने ये सब करके देख लिया, अब बाज आ जाओ, सुधर जाओ और हालात से समझौता कर लो। अपने अंदर की ये आवाजें सुनके इसका हौसला टूट जाता। इसका तकिया रात को आंसुओं से भर जाता। लेकिन ये आंसू अगले रोज इसके अजम के रास्ते का ना काबले अबूर समंदर ना बन पाते। वो हर रोज एक नए वलवले से उठता, अपने मुजस्मे के सामने पहुंचकर पुरजोश लहजे में कहता, तुम मेरी असल हकीकत हो। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। तुम मेरा कल हो। मेरी नजर आज की तकलीफ से जिंदगी पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों में जागीदा ख्वाबों पर है। इन ख्वाबों को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मेरा तुमसे वादा है। मैं आज के सच को नहीं मानूंगा। मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। शहजादे को अपने पीछे खड़े बादशाह की आवाज सुनाई दी। बादशाह ने शहजादे को बोता दिया और कहा, मुझे तुम पर यकीन है। एक दिन ऐसा जरूर होगा, मैं आपकी सल्तनत और शानो शौकत को मजाक नहीं बनने दूंगा। आपका बेटा दुश्मन की आंखों में सर उठाकर देखेगा। आपकी सल्तनत को एक बेऐब शहजादा मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादे ने अपने बाप को गले लगाने की कोशिश करते हुए कहा। हौसला अफजाई के जुमलों और तंजिया कहते हों के संगम में शहजादे के पुरअर्ज दिन गुजरते रहे। वो हर रोज अपने आप को पिछले दिन की निस्बत थोड़ा सा और स्ट्रेच करता, जरा और तकलीफ सहता, खुद को सीधा करने की मश्क इसकी बर्दाश्त की आखिरी हदों का इम्तिहान होती। कई बार वो नाकाबले बर्दाश्त दर्द की वजह से बेहोश होकर गिर जाता। आज के बाद तो तुम्हें इस ख्याल को दिल से निकाल ही देना चाहिए। होश में आने के बाद पहले लम्हे में हकीम साहब ने उसे नसीहत की थी, हम सब भी यही चाहते हैं शहजादा हजूर, लेकिन मान लीजिए
ये मुमकिन नहीं है, शाही हकीम साहब अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि शहजादे का जाती हकीम इसका अपना मुजस्मा उसे हौसले और हिम्मत के इतने इंजेक्शन लगा चुका था कि अब इस तरह की दवाओं का उस पर कोई असर होने वाला नहीं था। उसे अपने ही मुजस्मे से हिम्मत मिलती थी। अपनी पूर्वकार जिंदगी का तस्वुर उसे हर लम्हा अपनी तरफ बुलाता था, उसे अपनी तरफ खींचता था, पुकारता था, दुखाता था। चंद साल और गुजर गए, लेकिन कोई मोजज़ा ना हुआ, कोई बड़ी तब्दीली ना आई। लेकिन शहजादे को अंदर से इल्म था कि छोटी छोटी बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। वो दर्द जिसे वो अपनी हद समझता था उसे शहजादा बहुत पीछे छोड़ आया था। अब हद से कई ज्यादा स्ट्रेच करने के बावजूद उसे कोई खास दर्द महसूस नहीं होता था। वो जानता था कि उसका जिस्म अब आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ देने लगा था। वो अपने अंदर के उन एहसासात को समझता था। इसे यकीन था कि इसकी जात की ये छोटी छोटी तब्दीलियां एक दिन बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित होंगी। ये तब्दीलियां पैदा करने में उसने जो दुख सहे हैं उनका मदावा हो के रहेगा, मौजदा हो के रहेगा। और फिर एक दिन मौजदा हो ही गया। अपनी 21वीं सालगिरह की सुबह इसकी मुशक्कतें, मेहनतें, सोपतें और आरजुएं रंग ले आई। सालहा साल से हमीदा कमर, कमजोर और नहीं दिखने वाला शहजादा अपने सामने वाले 6 फुट के दराज कद मुजस्मे के सामने खड़ा था। इसकी आंखों में मुस्कुराहट, चेहरे पर वकार, जिस्म में ताकत, माथे पर अर्ज को हकीकत में बदलने वाला एतमाद और सबसे बढ़कर उठे हुए सर में करोड़ों लोगों के लिए सर उठाकर जीने का पैगाम था। इसके ख्वाबों में बसने वाला इंसान आज सचमुच इसके मुजस्मे के सामने हकीकत बनकर खड़ा था। सब हैरान थे, सब इसे मौजदा ही समझ रहे थे। इसका मजाक उड़ाने वाले भी इसे अनहोनी ही कह रहे थे। सच में तो ये मौजदा ही था, सच में तो ये मौजदा ही था। इसीलिए शहजादा सजदा रेज नजर आ रहा था। वो खालिक हकीकी का शुक्र गुजार था। बादशाह बेहद खुश था। वो जानता था कि दरअसल ये मौजदा उसके बेटे की अंथक मेहनत और बेपना अर्ज का सिला था। खुदा ने उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया था। सब लोग कहते थे ये नहीं हो सकता था, लेकिन रब के हाथों सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, अब जरा आप बताइए, आपका मुजस्मा कहाँ है? आप खुद को आने वाले सालों में कैसा देखना चाहते हैं? आपका अपनी जात के बारे में क्या तस्वुर है? क्या आपने अपनी जहन की खिड़की से बाहर खुलते किसी बाग में अपने मुस्तकबिल का कोई आईना सजाया है, जिसमें से मुजस्मे की सूरत में वो शख्स नजर आता है जो आप बनना चाहते हैं? क्या इर्द गिर्द की हौसला शिकन आवाजों के शोर में कहीं से इस यकीन की सदा आपके कानों से टकराती है कि शाबाश, तुम कर सकते हो? अपने कल के बारे में सोचकर आपके दिमाग में किस किस्म के तस्वुरात, अल्फाज और मनाजिर आते हैं? इन मनाजिर में आपकी कमर हमीदा है या सर उठा हुआ है? इन तस्वीरों में आप दूसरों को अपनी नाकामियों की कहानी सुनाते हुए जा रहे हैं या दूसरों के लिए सर उठाकर जीने का अमली पैगाम बन चुके हैं? क्या आपकी जिंदगी बाकी इंसानों के लिए इबरत का निशान है या कामयाब जिंदगी की एक लाजवाब दास्तान? याद रखिए दोस्तों, होगा वही जो आप सोचेंगे। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। मेरी अपनी जिंदगी इस पैगाम की मिसाल है। मैं कई साल तक हमीदा कमर रहा हूँ, जिसके नतीजे में मेरा सर झुका ही रहता था। मैं शहजादे के जहनो जिस्म पर बीतने वाले एक एक कर्व से खुद गुजरा हूँ, लेकिन आज मैं अपने मुजस्मे के रूबरू खड़ा हूँ। ताहम मेरी जिंदगी का मकसद अपने मुजस्मे की आंखों में जगमगाते हुए ख्वाबों के ताकुब में रहना है। हर बार इस मुजस्मे का सामना करने पर मुझे नए ख्वाबों की नवीद मिलती है, क्योंकि हर बार जब भी मैं अपने मुजस्मे के सामने पहुंचता हूँ,
तो इसकी आंखों में आने वाले कल के बारे में कुछ नए पैगाम, कुछ नए संदेशे और कुछ नए ख्वाब होते हैं। आप आज किस मकाम पर खड़े हैं? आपकी कमर का हम क्या है? किस चीज ने आपका रास्ता रोक रखा है? कौन आपको ख्वाबों का ताकुब करने से मना कर रहा है? क्या चीज आपके अर्ज की दुश्मन है? कौन सी सोच आपके अमल की कातिल है? आइए दोस्तों, हम दोनों मिलकर आज ही आपके मुस्तकबिल की एक कामयाब तस्वीर का मुजस्मा आपके जहन के दरीचों में सजा देते हैं। इस मुजस्मे पर नजर रखिए, हर रोज इसके रूबरू खड़े होकर इसकी आंखों में रखता ख्वाबों की सरगोशी सुने, इन ख्वाबों का ताकुब कीजिए। इस सफर में बेपनाह रुकावटें होंगी, इन्हें खुशामदीद कहिए। हर रोज खुद को स्ट्रेच कीजिए, हर रोज खुद को संवारिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक हर नए दिन को गुज़िश्ता दिन से बेहतर बनाने की जुस्तजू कीजिए। हर रोज थोड़ा ज्यादा सहें, थोड़ा ज्यादा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा ज्यादा डटे रहिए। अपने दर्द सहने की हदों को चैलेंज कीजिए, हौसला शिकनी के लम्हों में साबित कदम रहिए। नाकामी, बेबसी, बेचारगी और तकलीफ के लम्हों में अपने मुजस्मे के तसव्वुर को अपनी ताकत बनाइए। छोटी छोटी तब्दीलियाँ कुछ ही अरसे में आपका घिराव कर लेंगी। इन्हें मुस्तकबिल के किसी लम्हे का पेश खैमा ही समझिए। और फिर प्यारे दोस्तों, एक दिन शुरू होगा और वो मौजदे का दिन होगा। इस रोज आप अपने मुजस्मे के रूबरू हकीकत का रूप धार कर खड़े होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यही आपके खालिक का भी आपसे वादा है। आपके ख्वाबों में बसने वाली जिंदगी में हकीकत के रंग जरूर भरे जाएंगे। आपके तस्वीर में पलने वाली जिंदगी आप लाजमी गुजारेंगे। और याद रखिए, जब आप अपने ख्वाबों वाली जिंदगी को सच में जी रहे हों, तो आपने मुजस्मे की आंखों में नई दुनियाओं और नए ख्वाबों को जरूर देखते रहना है, क्योंकि असल कामयाबी इन्हीं ख्वाबों के ताकुब में रहना है।